वेलकम बैक टू माई चैनल जर्मन ड्रीम्स विद केजे। सामने हैम्बर्ग हाबानोफ है, हाबानोफ कहते हैं मेन सिटी सेंटर को, तो मेन सिटी स्टेशन है सामने। और उसकी बैक साइड पे अगर आप आएँ, मैं अपनी देसी स्टोर इन हैम्बर्ग वाली वीडियो में इसी स्ट्रीट पे आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि आगे तकरीबन 200-300 मीटर आगे जाके आपको वो दोस्ताना स्टोर दिखेगा। उस वीडियो का लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ इस वीडियो की, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लें। तो ये जो स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट पर मतलब अगर आप ऐसा कहें, जो लोग यूके के शहर लंदन जा चुके हैं, लंदन पे एक स्ट्रीट है ग्रीन स्ट्रीट, तो अगर मैं इसको इस स्ट्रीट को ग्रीन स्ट्रीट की तरह कहूँगा तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे फॉरनर्स की दुकान है, मतलब टर्किश, ईरानी, इराकी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानियों की बहुत बड़ी यहाँ पर तादाद है इस स्ट्रीट पर ना। उनकी जो ज़्यादातर वो जो काम करते हैं वो सारा ये मीट से रिलेटेड काम करते हैं। तो मैं आया हूँ बॉन से। बॉन में बहुत कम दुकानें हैं हलाल मीट की, तो वहाँ पर वो लोग जो हैं वो ज़्यादातर आपको इतना इंटरटेन नहीं करते, इंटरटेन इन द सेंस कि वो आपको, अगर आप उनसे चिकन ले रहे हैं तो वो आपको काट के नहीं देंगे, और अगर आप बकरा ले रहे हैं तो वो बड़े बड़े पीसेस काट कर देंगे, और छोटे काटने में वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं काट रहे। यहाँ पर क्योंकि दुकानें बहुत ज़्यादा हैं तो वो लोग कर देते हैं। तो मैं जिस स्टोर से मीट लेता हूँ, मैं आपको उस स्टोर ले चलता हूँ, और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितने, लाइक वो उर्दू भी बोलता है पहली बात, और दूसरी बात ये कि वो जैसा आप बोलेंगे वैसा वो काट के दे देगा। अगर आप स्मॉल पीसेस बोलेंगे स्मॉल पीसेस में मीट काट के दे देगा, अगर आप उनको बोलेंगे कि स्किन उतारनी है चिकन की, क्योंकि यहाँ पे स्किन के साथ होती, तो वो भी उतार के देगा। तो चलिए चलते हैं, इस शॉप का नाम है अंसर, और ये एक अफ़गानी दुकान है, हलाल मीट यहाँ पर मिलता है। तो मैं आपको अंदर ले जाता हूँ, अंदर ले जाके दिखाता हूँ कि मैं आज क्या क्या ख़रीदूँगा। ये हम आ गए हैं और सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फ़िश से। सर्दियाँ हैं, फ़िश ख़रीदते हैं, और ये उसको फिर काट रहे हैं मशीन से छोटे छोटे पीसेस में। ये लगे हुए हैं, ये बकरा, बकरा यहाँ पे होता नहीं, जो भेड़ होता है, तो ये उसके सारे गोश्त लगे हुए हैं, गर्दन लगी हुई है, टांग लगी हुई है, बाजू लगा हुआ है। ये बोनलेस लगा हुआ है बकरा, और बाकी आगे गायें हैं, कीमा है, ये सारी कलेजी, ये अलग अलग चिकन के सारे लगे हुए, ये वो गन सेंशन बोलते हैं, पूरी चिकन है, और ये विंग्स हैं, ये बोनलेस है, लेग पीस है, चिकन कौन से वाला चिकन है, चिकन एक गन सेंशन है, ये गन सेंशन जी, उसको काटना होगा छोटा सा। क्या आप देख रहे हैं, ये उर्दू में बोल रहे हैं, और ये वो पुलिस की स्किन भी पूरी उतार के देंगे जैसा हर टाइम देते हैं।
किराया मिलता नहीं, भीड़ है, भीड़ का गोश्त ही पे काट रहे हैं छोटा छोटा भी। मैं एक ही बार आके पूरे डेढ़ दो महीने का गोश्त ले लेता हूँ और उसको फ्रीजर में रख देता हूँ, क्योंकि बार बार आना पॉसिबल नहीं होता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये प्रोसेस। अभी मशीन से काटने उसके बाद ये तो और छोटा पीस करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि छोटे पीसेस चाहिए, इतने बड़े नहीं। नॉक क्लाइनर बिटे ज़्यादा करो तो मशीन के साथ बनता नहीं है, चूरी से कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ चाहिए आपको भाई? और कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। यार देख रहे कितना कायदी तरीके से गोश्त रखा हुआ है, कहीं भी आपको गंदगी नहीं नजर आएगी पूरी शॉप में। और यहाँ पर दिखा दूंगी नान लगा हुआ है और ये रोटियाँ यहाँ पे फ्रेश बनी हुई हैं, बल्कि ये पैक्ड है रोटियाँ और वहाँ पे फ्रेश आप ऑर्डर दे सकते हैं। गोश्त मैं बाय कर चुका हूँ और मैं ट्रेन में बैठकर अब बस स्टॉप पर आ गया हूँ। या आपको सामने एक लेफ्ट हैंड साइड पर बस दिख रही होगी और आगे जाके आपको राइट हैंड साइड पर भी एक बस दिख रही होगी, तो ये मेरा स्टॉप है और हैम्बर्ग में है ये स्टॉप। और अगर आप आगे जाएं लेफ्ट हैंड साइड पर, वहाँ पर बस स्टॉप है, ये सारा रेस्ट एरिया है बस का, जहाँ पर बसेस सारा लाइक रुकती हैं, ब्रेक लेती हैं, पॉज लेती हैं और फिर घूम के वो उस तरफ आती हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बस का भी दिखाना चाहूँगा, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो पता है कि कैसे यहाँ पे सिस्टम हाउ इट वर्क्स, बट वो लोग जो बाहर से देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि सामने एक डिजिटल आपका वो लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है। और थोड़ा सा करीब से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लिखा हुआ है डेस्टिनेशन के लास्ट स्टॉप्स कौन कौन से हैं और कितनी देर में बसेस आ रही हैं। तो मेरी बस में अभी हैं तकरीबन 4 मिनट। तो आज का व्लॉग जो था वो आपको पता है बेस्ट हलाल मीट इन हैम्बर्ग के बारे में था। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच।